अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज चाय और चेज़ा के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है रिजवान और मेरे साथ वामिक, जिनके पास आपको टोपी नहीं बची तो इसी तरह बाल से हैं, आ रही बाल है। अभी भी हैं। चलो थोड़ा बहुत ये शर्मा शर्मी है, जो भी कहते हैं, चलो बचत है सर, कजा हुआ सर। तो आज के जो टॉपिक जिसके बारे में जरा लाइट सा टॉपिक है, ईद की तैयारियां और ईद की खुशियां। रमजान जो है वो बिल्कुल अब एंड आमद आमद है, आमद आमद है और ईद की तैयारियां आई एम श्योर लोग आप सब लोग कर रहे होंगे और मैं सबसे ज्यादा जैसे रोजा नहीं रखे इनको सबसे ज्यादा ईद की खुशी है भाई। आपको एग्जाम है ना, आप बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज ऊपर जाएंगे फिर पता चलेगा नहीं वो डायबिटीज। चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप आई एम श्योर आप लोग जो है ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन मसला कुछ पाकिस्तान में वो लॉकडाउन का कुछ सुनने में आ रहा है सर। क्षेत्रों क्षेत्र लेत्रों लित की उधर लगता है बाजार वगैरह आप बंद यहाँ अंदाजा होंगे। करें कि मुझे खबरें आ रही है कि जी वीकेंड को बंद होता है और 6 बजे मार्केटें बंद कर रहे हैं, शाम के 6 बजे। ठीक है, अच्छा। और आपको पता है जो है ना जरासीम ने मत मारी हुई है, कहता है तो जो सी जरासीम आ गया है उसमें। अब देखें बेचारे जो ताजर हजरात हैं जी, पाकिस्तान के पूरे साल में जो कमाता है ना ताजर, कहता जी है जी वो ये ईद ये के जो चंद दिन होते हैं ना हाँ आप ये समझ सही लें जी जी उसमें मतलब वो अन्नी डालता है जी अपने हिसाब से, जी तो जी नीचे कर लें तो वो जो है ना अब वो बेचारे रो रहे। जी जी वो कहीं ना लगा कि हम नहीं मानेंगे, मतलब हम आप रहने दें, मैंने मैंने मैसेज भी कर किया लिए है। नीचे सर। वो कहते हैं जी हमें ना मतलब हम तो मारे लुटे गए, जी जो जी हमने कमाना था ना साल का पूरा हाँ वो ये हमारी तबाही हो जाएगी। और इमरान खान और बाकी लोग मान भी रहे हैं कि जी ये वैसे तबाही हो जाएगी, लेकिन नहीं जी उधर वो जो है ना जरासीम वो तबाही फेर रहा है, उसको कंट्रोल करना है तो कर लो फिर कंट्रोल। तो ये तो है जी अमीर ममालिक, इधर तो लगते हैं वजीफे वड्डे वड्डे। ठीक है, तो इधर तो करो कार बैठो, तो आपको पता है आजकल मैं बैठा हूँ घर में। ठीक है, ढकी छुपी बात नहीं करता, आपको पता है मैं सीधा मैं कैमरे में मारता हूँ, घर बैठा हूँ और टैक्सी चल भी नहीं रही। सारे जो मेरी तकनीकी चीजें हैं ना वो हसन भाई और मंसूर भाई जिंदाबाद, हमारे नए हसन भाई जो है एडिटर हैं, आप देख रहे हैं कि वो तबाहियां मचा रहे हैं और कुछ तबाहियां वो ला रहे हैं। कहते हैं ईद के फौरन बाद आप देखेंगे कि हमारा जो क्वालिटी है वीडियो का वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वो हम इसलिए कर सकते हैं कि हमें मिलते हैं वजीफे। अब ये भाई साहब जो है ये तो आते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, उससे अलावा तो ये आजकल टैक्सी और टैक्सी किया हुआ है उन्होंने, क्यों भाई पैसे कमाने किसी ने तो कमाने। जी जी अब कैमरे खरीदी जाए, लाइट और लाइट कर दें और बैकग्राउंड बेहतरीन कर दें, फिर जी एडिटर को भी पैसे दें। देखे ना ईद की ईद ही पहले जानी चाहिए, वरना फिर को काम नहीं होता, वो क्या मूविंग नहीं हो नहीं रही। हो रही, तो इंशाल्लाह होगी मूविंग। बहरहाल तैयारियों के हवाले से बचपन में हमें याद आया, कुछ पुरानी बातें याद कर लेते ईद हैं आई, सर्विस जी। सर्विस सर्विस नहीं, शूज। वो ईद आई, खुशियां लाई, सर्विस शूज ने धूम मचाई, कदम कदम हसीन, कदम कदम आराम, सर्विस शूज, सर्विस शूज, सर्विस शूज ने धूम मचाई। देखिए सर्विस वालों मतलब की भी छोड़ी कर छित्रो दी है। छित लित्रो लित सर्विस शूज, लेकिन बाटा को नहीं भूलना, जी जी फिक्र ना करें आ रहा है, वो सिर्फ थोड़ा छुप गया क्योंकि कैमरा हो जाता है हाँ हीट और फिर अच्छा करता तुर 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 तुर, और अगर हमारा काम फिर रहता धरा का धरा, तो मैंने मैं अब दोबारा थोड़ा से करना बंदोबस्त पड़ता किया है, है। जरा ठीक ट्विकिंग है, की है, ट्विकिंग किया लेकिन आपने, चलो सही है, चल रहा है, सब देख रहे हैं, सब हसन भाई अपनी एडिटिंग रख के जान रख के करनी वरना जो ईद के बाद की ट्रांच है इन्होंने देनी है, ये भी याद रखें। अच्छा खैर, एनीवे बहरहाल अब एनीवे नहीं, दोबारा टॉपिक पे आते हैं ना, जो ईद की तैयारियों के टॉपिक है, हवाले से टॉपिक आसान नए है कपड़े वगैरह खरीदते वो हैं। जी, जी कहते हैं सुरमा सुरमा लगाना है, जी चने जी बच्चे बन के जी जाना है, वो जी मतलब वो वाला साहब ना आपको पता है वो अपना जो ब्रादर है जी कहना, तो उसको नहीं, पता है ना। मैं जरूर कहूंगा कि हर ईद पे मेरी जो खाला है वो मेरे लिए कोई ना कोई चीज जरूर खरीद लेती है। शीर मैंने खोरमा, शलवार कमीज, नहीं, खाने की अच्छा चीज पहनने नहीं, मेरे लिए की, शलवार कमीज या मेरे लिए वाह ट्राई, हमेशा एवरी सिंगल ईद नहीं त्योहारे ऑनेस्टली, मतलब शी रियली केयर्स फॉर मी एंड आई हैव टू से दैट। मैं ये बात जरूर मेंशन करूंगा, थोड़ा सा अथरू आए बस समझ लें कि थोड़ा सा इमोशनल खाला तारीफ भी हो रही है, वीडियो देखे तो मेरे भाई को शाबाश देनी है, जो चीज दो तो देखे मानता है नहीं भाई, नहीं नहीं जो बात मानने वाली वो तो मानूंगा, जो गलत बात है जो नहीं मानने वाली वो नहीं उसमें कहेगा मानूंगा। मंजो, मैं कहेगा मंजो मेरी मान गल। जाओ मेरी का। अच्छा भारत, एनीवे आप कोई ईद के हवाले से कोई पुराना वाकया, बचपन का वाकया अगर कोई सुनाना चाहें, आप लोग ईद कैसे मनाया करते थे, नए कपड़ों
नए कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। इसके सर ईद की अलावा नमाज पढ़ने से पहले अभी अभी फ्रेश एक आ रहा है, कमेंट आ रहा है हमारे एडिटर इन चीफ से कि जी दो दफा कम से कम अपने वीडियो में मतलब रख के बोलना है कि टली का बटन दबा दे, सब्सक्राइब कर दे प्लीज, कहते हैं टली को मारे खड़का कर रख के तोड़ा मारो टन टना टन 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 कर दे। आप देखते हैं कि हमारा वो जो है एडिटर उसने भी थतरली मचानी है, कहता है बार बार कहता कहीं कहीं सब्सक्राइब टन टली का बटन भी दबा दियो। ठीक है हसन साहब, ठीक है ना, काफी है नहीं नहीं ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल और ऐसे ऐसा ग्रेजुअली हमारी हॉले सब्सक्रिप्शन हॉले बढ़ती जा रही है। तो जो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको हम बेहतर मवाद, और बिकॉज हमारे पास टाइम ज्यादा होगा ना, फिर हम रिसर्च कर सकते हैं, बेहतर वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं, और कोशिश हमारी यही होगी हमेशा सच बोले ईद एज का शो भी आ रहा है बेहतरीन, डोंट मिस इट किसी कीमत पर भी, क्योंकि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इन दो बूढ़े थोबड़ों को देख देख के आप थक गए होंगे, अब एक फ्रेश चेहरा आपके लिए लाएंगे और वो आपके लिए बहुत प्लेजेंट होगा। इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि फिर तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। स्पॉइल्स खत्म हो जाएगा। जी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग फॉर लुक फॉरवर्ड एवरीवन। फॉर एवरीवन। ठीक, अब ये भी देख रहे हैं कि गेस्ट हमारा कि भागी ना जाए, ये भी हो सकता है। पकड़ा गया, भागने नहीं देंगे। गेस्ट ने बुलाया अपने घर में, खाना शाना भी रोटी लंगर शंगर मिल सी। नहीं आप इतनी ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, पर अपनी रिकॉर्डिंग करें और चलते बने, नहीं ज्यादा नहीं उम्मीदें ना रोजे लगाएं। रोजे खत्म हो गए होंगे, रोजों के बाद बुलाया है, ऐसा जुलम नहीं होगा, देखिए ना ज्यादती हो जाएगी। नहीं आप सोच लें इस बारे में, सोच लिए सर, सोच लिए आप, सोच लें आपका निकलने का एंगल कम हो जाएगा और मुझे सोचना पड़ेगा कि गैस को बढ़ाएं तो किधर बढ़ाएं, हाँ नहीं क्योंकि क्योंकि लेकिन आगे हमारे दो माशाल्लाह जो है काफी केरा लिया होता हमने, मेरे बहुत ज्यादा केरा लिया होता है। मतलब वो एडिटर खुश नहीं होता ना, क्या करें, वो मतलब मुसीबत डाल देता है। जी जी तो देख लो जब बत्ती चली गई है साड़ी, बत्ती चली गई हाँ है, लेकिन कोई नहीं, कैमरा चल रहा था, कैमरा चलना चल। चाहिए। चले कोई फिर वाकया बताएं, कोई जल्दी से कोई ईद ईद का के वाले वाकया, से, ईद के वाले ईद से। पाकिस्तान में हम, मैं आपको सही जो बात तो चांद रात का बहुत होता था, जी ठीक जी है, वो पूनी छूनी नहीं क्योंकि उस वक्त बहुत छोटे होते थे, 10-11 साल के थे उस वक्त, क्या हमने आप करनी तो थी, 13-14 साल की हमें उम्र होता में था आ कि गए थे। हाँ बाहर जाते थे तो रौनक वो फ्रूट चाट वो खाने का होता जी था, जी लड़कियों को मेहंदियां और चूड़ियों को होता था, हमें हाँ उसका नहीं होता था, हमें होता था कि वो खान पीन का प्रोग्राम करो हाँ कहते हैं, ठीक हाँ है, और जाहिर बात अपनी नई नई शलवार कमीज वगैरह वो घर में होता था, ये सुबह पहननी है, हाँ और फिर हम जाते थे नमाज पढ़ने। उमूमन उस वक्त ना वो हम बाहर होती थी नमाज, ईदगाह टाइप जगह ईदगाह, था जी। मैं तो मुझे अच्छी तरह, मस्जिद के अंदर कोई ईद नहीं नहीं होती थी, नहीं ईदगाह बहुत बड़ी सी होती थी वहां पे लोग गुलबर्ग में, मुझे अच्छी तरह जी याद है, कोई भी पार्क हो खुली जगह हो वहां पर पढ़ ली, और बादशाह मस्जिद में पढ़ने का मुझे शौक था, एक दफा अलहमदुल्ला वहां भी पढ़ी थी, और उसके बाद आपको पता है हलवा पूरी के हम बड़े होते थे, मीठे के चूड़े थे, तो वो हलवा पूरी होते, बच्चे मैं बात कर रहा हूँ 10-11 साल की उम्र में, तो दवा के खानी कोई डायबिटीज का डर खाट नहीं कहता है, वो तो बाद में फिर मुसीबत पड़ी कहता है, लेकिन अभी बाज नहीं आते आपको पता ही है। तो ये यादें हैं, बाटा सर्विस शूज में जाके वो अम्मी को कहना कि नहीं नहीं हमें जूती चाहिए, वो जूती कह रही दे है अच्छी दो, वाली तो ली थी अभी पीछे चल रही है, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, नहीं वो नई चाहिए जूती का एक अप्लाई होता था चाम। जी। तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियां थी, और प्लीज इन खुशियों में जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उनका जो ख्याल आपके जरूर आस पास रखें हैं, जी। देखे ना अब अगर फितराने की आप अगर आप, मैं अगर अलाउ एक मिनट है करें गया, फितराने का आप कहते हैं, आप मुझे पता आपने वो फितराना जो है ना पाकिस्तानी फितराना जो है ना छोड़ दें कहते हैं वो, पता क्या कहते हैं, अब जैसे यहाँ 4 पाउंड दे रहे हो फी बंदा, ठीक है, अब यार मुझे बताएं 4 पाउंड में क्या आता है, चार मारो ना। अब देखें हम जाते हैं शॉपिंग, एवरेज मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल काट तो काट ही ना रिजवान साहब 10,000 तो काट नहीं खर्चा गया, ठीक है, सलवार कमीज लेना है या अपने जूता लेना है, मैं यहाँ बैठ के आपको बता रहा हूँ, या मैं तो कोई, मैं आपको सच बताऊँ मैंने कोई इस दौर, अब तो बड़े हो गए मैं कोई नहीं कर रहा ईद की ये नमाज समाज के लिए कपड़े लो, वो पुराने सलवार कमीज हाँ धुले हों साफ सुथरा हो पहन लूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं पाकिस्तान में उन बहन भाई जो बेचारे देखें वो नहीं वापस मुझे तो हर साल जोड़ा मेरे खाला की तरफ आपकी से मिल खाला की जाता तरफ है। से आ गया, हाँ आपने जी क्या करना है, आपने किसी पाकिस्तान में बंदे को जोड़ा दे दें उसको कहते हैं बेचारे को कहते हैं हाँ जिसके जी पास नहीं है, ठीक जी है, वो खुशियां बच्चों को खिलौने दे दे, ठीक है, या आप यकीन करें जो छोटे बीस छोटे बीस 25,000 वाला है ना बंदा पाकिस्तान में, गार्ड जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड टाइप के कहते हैं बेचारे, वो बिल्कुल सफेदपोश है, वो यार वो बेचारों की क्या ईद होती है, वो तो बेचारे ड्यूटियां दे रहे होते हैं ईद वाले दिन कहते हैं, जी मुझे ईद तब होती है कि आप किसी को सच्ची खुशी दें, उसकी खुशी में आप आपकी खुशी दुबला हो जाएगी, बिल्कुल तो सही बात। अगर आप 10,000 का बजट रख रहे ना, मेरी गल मान जाओ, मान जाओ मेरी गल, 2 से 3,000 रुपया पाउंड नहीं सॉरी रुपया
वो खर्च कर दे। अगर लेकिन यह गल है अगर 10,000 पाउंड अपने उत्ते खर्च कर रहे हो पाउंड, तो फिर दो दो तो लाजमी बनते 2,000 सर, 2,000 पाउंड खर्चो मानजो मेरी गल। अल्लाह तुहानू दो दा मैं कहना 8-10 दे देगा। और ये मैं मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ, आजमाई अजमा हुई के बात देख है। ले, खुशियां भी दुबारा हो जाएंगी और पैसे मतलब चाहे वो हस्की कुत्ते से आ जाए या डॉजी फादर से आ जाए, जिससे मर्जी आ जाए। कहते ये अब जिन लोगों को पता होगा उनको पता है, जिनको नहीं पता रहन दे रहन होगा, दियो, कच्चा छोड़ो रहन दे कच्चा होगा, रहन दियो, वरना मेरा पुत्र छोड़ चित लितो लिते इतरो पड़ेगा। दियो जी कुछ ही पढ़ लेगा। मैं कह रहा हूं मेरी गल तुसी बाहर कर देती है, मैं नहीं नहीं दबांगा। अब्बा अब्बा टेढ़ा पोला है ना, वो गल रख नहीं सकता निकल बेटा, उसमें इनका प्रॉब्लम शुरू से है। वो आज ये बात है, तक माफिया मांगता पे होना है, तक वो माफिया मांगता पे। अब मेरे को कोई रह नहीं सकता, पेट जो बाल उठ रहे हैं वो बाल उठ रहे हैं, वो उसने लुदना है, बाहर निकालना है, इसके अंदर नहीं कुछ भी रह सकता। अगर आपने बात फलानी है ना कोई, तो अबे नु जाके दस दो, वो दस टोल देगा, टन अब्बा टन 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 टोलर टन टन बजेगा टन 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 इंजन। अजय टोल चला दे, टंडरानी टोल वाली जड़ी है उसका ढूंढो, आप गूगल करो, निकालो, चलाओ ये पीछे। रानी हाँ टोल है जी, ये कौन है? वो टोल बजाती, बड़ा जबरदस्त किस्म का गाता है। अच्छा। उसने वो बजाया था, उसके ऊपर बियॉन्से का गाना है ना, अब वो मुझे याद भी नहीं आएगा। हुन अच्छा, ए भी लबो गूगल पाओ तो बियॉन्से लबो कहते हैं टोल वाली, वो रानी सारी टोल वाली मैं जिम्मेदारी देखूंगा। गूगल दे पाओ, मेमोरी नहीं कार्ड है गूगल ते पे गूगल बाबा। गूगल बाबा गया तेल लेने, हसन भाई बताला है वो ईदी नहीं मिलनी हसन रोल देता है। ज्यादा माइंड ना करना, ये इसी तरह ही है, ये ठीक ईद की चक्कों में हम भी क्या है उसको कहते हैं कि भी बच बचपन जो है वो आ गया, बह गए हम वो सारे जो जी जी माए अरमान थे जी जी और बाकी जो क्या कहते हैं उसको जज्बात थे, मतलब जज्बातियत बाहर निकलाई है। जी तो और कोई आप वाकया सुनाए अपना, पाकिस्तान में आपने 18 साल तक ईदे में। तुम्हारी स्टैंडर्ड ईद होती थी सुबह उठना, बड़ी पहले जोड़ा बोड़ा आता था, नई जूती आती थी जिस स्टैंडर्ड, और मैं अपने जो मेरे जिन्हें मुझे पाला था मेरे नाना, वो मुझे ईद की नमाज के लिए हम जाते थे, फिर ईदी मिलती थी। हाँ एक चीज याद आ गई, वो रुपए की जो ना नए नोटों की गड्डी मिलती थी, 100 रुपए नहीं की मिलनी बंद कर दी, वो तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। जरासीम आए हुए सी हैं, वाले सी वाले तो वो मुझे ला के देते, बड़ा शौक होता था। मेरे दादा होते थे, मेरे दादा मुझे ईदी देते थे, मैं उनकी आए तरफ जाता था। नाना नहीं देते थे? नहीं नाना, वही तो कह रहा हूँ रुपए अच्छा वाली। मैं कहता मुझे, मैं उनको अब्बू कह रहा था कि अब्बू 100 रुपए वाली गड्डी लेकर, अच्छा बोले सौ तो वो फिर रात को ला के रख देते थे, फिर सुबह मिलती थी, फिर एक एक रुपया निकाल के ना, वो बड़े अच्छे एक लगते रुपए थे। के 100 रुपया? और यार 100 रुपए में अच्छा एक मैं गड्डी होगी तो ₹1,00,000 की ओ होगी अच्छा ना। मैं तो गलती कर गया, मैंने हाँ शायद मैं सौ आप सौ इतने होगा साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब आप 100-100 रुपए की गड्डियों की मैंने बात कहा कर रहे शायद हैं। अगर नाना वो पॉलिटिक्स में होते तो फिर तो 100 की ला नहीं, वो देते। पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो बहुत ही नहायती शरीफ किस्म के इंसान थे, वो बस नवाज शरीफ जो जैसे नहीं थे ओ बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ही वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डर, बहुत ही और नवाज रिस्पेक्टेबल शरीफ मैन, भी अपने और अच्छा लोगों हंसाया करते थे, ऑलवेज यूज्ड टू मेक अदर पीपल दैट्स लाफ, ऑलवेज अ और गुड थिंग। बहुत इतने पक्के मुंह से हंसाते थे, अगले की वक्खियां जो है दोहरी हो जाती थी, तो लेकिन कोई वो वाक्य जो सुना अपने दे। वो लतीफे वगैरह वो सुनाया करते थे। उनकी कंपनी मैं इतना बता सकता हूँ कि कंपनी बहुत लोग पसंद करते थे, बाऊ जी कहते थे उनको, कहते हैं बाऊ आ बैठते हसन, तो फिर वो शुरू होते थे गुफ्तगू और सबको हंसाते थे। आपके तो वेरी वो प्लेजेंट कैरेक्टर से नहीं आई फिर? नहीं, मैं लोगों के साथ आई एम प्लेजेंट, मैं प्लेजेंट तो पूरा है, मैं कह रहा जी हूँ वो जरा हसानी के अंदर था, मुताद है। वो इतना नहीं मुताद नहीं, वो मतलब वो बड़ी साफ सुथरी जबान में लोगों को साथ देते थे, ठीक है, तो वो मतलब उनको इस तरह का सब सहारा नहीं, ऑब्वियसली यू नो। और मैं उनके साथ मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ता, फजर की नमाज तो वो घर भी पढ़ लेते थे अमूमन, लेकिन बाकी जब वो शाम को काम से वापस आते थे तो मगरिब और इशा वगैरह वो मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो वो ठीक मुझे पढ़ाते थे बकायदा, और यू नो उनके साथ बैठ के मैं इंग्लिश फिल्म वगैरह भी हम देखा करते थे, टीवी प्रोग्राम सब यार। लगते इंग्लिश होते थे। फिल्म से मुझे याद है, मैं जब फिल्म देखता था ना मुझे सिर्फ ये समझ आती थी, ओ यो आ यूं जाओ ता जा जो नहीं तो क्या है इस समझ तो यार। मुझे भी नहीं आती थी, वो तस्वीरें वगैरह देख के और उससे कुछ अंदाजा हम लगा लेते। अमूमन उनको पसंद थी ये कॉबॉय टाइप फिल्म नहीं होती, गन फाइट वाली, गैरी कूपर की वो, और वो जॉन वेन वगैरह, जॉन
क्लिंट ईस्टवुड जरा बाद में आया, बाद में आया, ये पहले वो होते थे तो उनकी वो सब और सर वो छिद्रो छिद उनको किया होता था रेड इंडियंस को, उन बेचारों का बुरा हाल किया होता, उनको इवल दिखाया होता था, वो पंडित गए उनको इवल किया होता, जुलम उनके ऊपर हुआ, उनको उनको ने इवल बनाया हुआ था ऑनेस्टली। वो एक गैरी के ऊपर टिचिया टिचिया टिची वो तकरीबन 50 एक बार बताए ना वो अपने भाई को मिलेंगे रोला वाले यार, अब छोड़े रहे थे आपने नाराज करवा दिया। याद दिला रहा हूँ कि वो निक नेम्स में जो आया था वो देखे अभी तक फोन ही नहीं किया उसने, वो वीडियो उसने देख लिया कहीं मतलब नहीं गलती से किसी ने उसको दिखा दी है। आपने शैतानी मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो किसी और भाई ने किया है। आपने जानबूझ के उनको भेजा था कि उन तक मैंने तो सर वो स्टोरी सुनाई है, अब देखिए जिसने नहीं देखा वो प्लीज जाके वीडियो देख ले, हंस हंस के पेड़ देना बल पड़े तो मेरा नाम बदल, वैसे मेरे नाम बहुत है कोई बात नहीं बदल भी नहीं है, लेकिन वो मैंने कहा पूछू की वो फोन शोन तो नहीं आया, नहीं नहीं कोई पर्सनल हो रहे ईद पर, ईद पर तो मिलना चाहिए, ईद है तो ईद है, वो समझ दे रहे हैं आप, ईद है तो ईद, हाँ तो मिलेंगे तो फिर ईद होगी ना। अच्छा ठीक है ना, अब आप जरा सी ने जफियां तो दाने नहीं बस वो जरा ठीक ना करें 21 जफियां पपियां जफियां वो आप देखा नहीं है जो बाजी को सोना है मतलब आशिकवान क्या उसका नाम है फिरदौस आशिक, वो आपा ने कहा इस दफा ईद पर कोई पपिया जपिया नहीं होंगी, वीडियो मुझे किसी ने शेयर की मेरी हंसी अपनी हंसी निकल गई, गलती में क्या गई ना जैसे माजी भी गलती होते उधर एडिटर कोई नहीं था वो लाइव जा रहा था बाकी कहीं खजानी हंसी आती कोई पपिया जपिया नहीं होंगी, मैं कह लू पाजी आप सोशल डिस्टेंसिंग मैं कह पाशी कुसुन जो आप कुसुन से किसने पपिया जपिया करनी है, कहते बखी में मरेगी अच्छा और इसके अलावा हाँ ईद मैं आपको ये बता रहा था हमारी बड़ी मतलब अच्छी गुजरती थी, मैं एक दो जगह अपने जो मेरे नाना है वो अपनी वालदा की तरफ जाते थे, उनकी वालदा हयात थी, उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, वो डेफिनेटली उधर जाएगा मैं उनके साथ जाया करता और जिधर जाते थे मैं उनके साथ जाता था। तो इधर ईद पर क्या कर रहे हैं आप? जी इधर ईद पर यह है कि आई थिंक आई विल गो एंड सी माई पेरेंट्स, उनकी तरफ जाऊँगा मैं सुबह, मुलाकात हो जाएगी और दैट्स इट रियली। और हो सकता है यू नो हमें कहीं और से भी इनविटेशन कहीं से आ जाए और हम जा मतलब रोटी, लेकिन फिलहाल खाना वाना यही होता है और क्या होता देख है लाना वो फिर मतलब नहीं बाद में वो टेढ़ा पड़ गई नहीं वो रमजान के बाद इतना तो बनता है यार बनता है लेकिन हाथ तौला रखो नहीं उधर पाकिस्तान में हुआ था ना हल 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 तीन नहीं पांच वक्त के गाने एक ही रहते और उसके बाद तजाबियत की गोलियां पड़ने जब तक बाद में आ जाती होगी डॉक्टर डॉक्टर जाती होगी डॉक्टर के बेचारे उन्होंने फीसें ले आ लोगे क्या देने मोडियम प्लस वो आप ही जाके ले लो वो पेट अगर आपका खराब हो जाए तो मोडियम प्लस वही होना होता ज्यादा तो तोड़ तोड़ तोड़ो गई सही बात मतलब पता नहीं गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल इन चीजों का, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें और जो ऐसे सफेद पोश लोग हैं हाँ। अगर आप उनकी किसी तरह मदद कर सकते हैं उनको खिला सकते हैं तो यकीन करें खुशी उनको अगर आप खुशी देंगे तो अल्लाह ताला खुशियां बांटे खुशियां बांटे और ज्यादा से ज्यादा जी ज्यादा लोग अपनी फैमिलीज को इकट्ठा करके अच्छी बात है अच्छी बात है लेकिन अगर आप उनका भी ख्याल रखें को याद रखें ये खुशियों का वक्त और है अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला बबरकत करे और रोजे कबूल करे जिन्हें नहीं रखे मेरी तरह उनके भी मतलब कबूल कर ले जो एक्सक्यूज है हम तो उस वो अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर ले। तो बाकी है कि हमारा ईद का शो तो आएगा उस पे देखें क्या कुछ होता है अल्लाह खैर ये जो है ना शलवार कमीज पहनेंगे और बड़े अच्छे पप्पू बच्चे बनेंगे टोपी छोपी टोपी ये भी पहनेंगे उस दिन ये भी टोपी पहनेंगे ओके बना दीजिएगा टोपी हाँ क्योंकि देखे ना ईद पढ़ने जानी है ना नमाज पढ़ने जानी है टोपी तो बनता है नंगा सर थोड़ी जाना है कज्जो सर कज्जो वो फिर हमेशा ही कज्जा होना चाहिए ये क्या वो नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहननी है फिर ये वही वाली बात है जब वो औरतें दुपट्टा पहनती है दुपट्टा ले लेते फौरन तो चलो ये शुगल का शुगल सही थोड़ी टोपी पहनो उधर मैं तो टोपी नहीं बना सकता अपनी टोपी बड़ी तो मैं कोशिश की है और घुमा के उधर फेंकने जाते हैं मैं तो वहां लेके ना कोई कपा नहीं है पीछे इधर से मारूंगा तो फिर शायद अच्छा जी तो हम यही कहते हैं कि फिर ईद की खुशियां ईद की खुशियां बांटे दोबारा किया जाए उसको भरपूर तरीके से मनाएं बल्ले बल्ले शॉपिंग करें अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें एंजॉय करें और उन लोगों के बारे में सोचें जो कि यू नो जो कि चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उनको आप कुछ माली मदद कर सकते हैं तो करें
फितराने पे खाली ना रहें, फितराना तो आप करें ही करें, लेकिन इसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं करें। यकीन करें दूसरों को खुशी देने के बाद अल्लाह ताला जो है वो आपको जो खुशी देगा वो आप उसको ना कर सकते। चाय और चेहरे की तरफ से, रिजवान और वामिक की तरफ से, आप सबको सबको बहुत बहुत ढेरों ईद मुबारक। और ठीक है देखें, जी जरासीम या कोई जरासीम नहीं, हमें ईद कोई परवाह नहीं। आए जी, ईद मिलने मिलने, की ईद मुबारक, ईद ईद मुबारक, मुबारक, ईद ईद मुबारक। मुबारक। हाथ मिला लो, आए कोई कोई नहीं पकड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जाता। नहीं है यहाँ यहाँ पर पे। वैसे भी 21 जून से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को मास्क, सब खत्म हो रहा है, सामाजिक फासले। तो नहीं ये कहीं हमारा चैनल ब्लॉक ना हो जाए, ये नहीं वीडियो वायरल ना ना हो हो जाए, जाए। लेकिन हाँ जी हो जाए तो अच्छी बात है। तो जहां जहां भी आप हैं, सेफ रहिए, खुश ठीक से रहें, खुश रहें और और भरपूर ईद की खुशियां जो है वो मनाएं, भरपूर तरीके मनाएं, से सब मनाएं। और आप सब बांटे, लोगों को और बहुत बहुत ईद हमारा मुबारक। चैनल सब्सक्राइब प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर करें। दीजिएगा, ईद की खुशी में ही कर दें यार। कर दियो, कर दियो, मान जाओ कुछ मेरी नहीं गल। होता, कुछ नहीं होता, आज ते मान ही हाँ, जाओ, मान ही ठोको जाओ। टलीनू ते सब्सक्राइब करो ते वायरल कर दियो, फैला दियो, जंगल की आग की तरह फैला दो फैला दो उनको, फैला दो, वरना बुझाएगा कौन फिर बाद हमें में। कुछ और करना पड़ेगा। बुझे नहीं, कुछ और नहीं करेंगे। देख लेना, देख तो इजाजत ले लें, और नहीं हमारा ईद शो आ रहा है, उसको जरूर देखें और लोगों को बताएं कि हमने भी अपग्रेड कर लिया है। और ये जो है ना, देखें जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखें ना, कोशिश करें आगे करेंगे, और से फिर जो आप है लोग सराहेंगे, हमें भी आप कोई अप्रिशिएट करें हमें। और मेरे ख्याल में अब कंक्लूड कर लेते हैं, कर ले काफी जी। है। बस ठीक है जी, माई आप तरफ से सबको फिर सबको से बहुत बहुत ईद बहुत बहुत ईद मुबारक, मुबारक। और अपने रब घरों में खुश रखा। रहें। रब खुदा हाफिज।